नमस्कार, देख रहे हैं आप सभी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिहार विधानसभा के नए स्पीकर चुने गए हैं नंदकिशोर यादव। बता दें आपको कि ये भाजपा के सबसे वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। अब इसको लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खुशी जाहिर की है और कहा है कि वो काफी अनुभवी नेता है, हमेशा हम लोगों का मार्गदर्शन करते हुए आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। सबसे अनुभवी नेता है, हमारे साथ काफी लंबे समय से रहे हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि पक्ष हो या विपक्ष, सबके सर्वसम्मति से उन्हें अध्यक्ष चुना गया है, इसके लिए मैं उन्हें काफी बधाई देता हूं। बधाई देते हुए नजर आए सम्राट चौधरी। इस दौरान जब उनसे सवाल किया गया कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की मुलाकात हुई है तो इसको लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, पहले आपको वो सुने। शुभकामना भी लंबे समय से अनुभव है उनको, जब वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हुए हैं। पहले तो हम लोगों को भी मार्गदर्शन देते रहते थे, अध्यक्ष द्वारा पार्टी का अध्यक्ष के तौर पर काम किया। हम वो सरकार में भी विधानसभा अध्यक्ष सम्राट जी, सातवां कैंडिडेट आ रहा है सम्राट जी, क्या कहेंगे? इधर देखिए, इधर एकजुट है और आगे भी इसी तरह जो हमारी प्रक्रिया है पूर्ण की। लालू जी पहुँचे हैं, लालू जी पहुँचे सर। नीतीश जी की मुलाकात हुई है पहली बार सरकार बदलने के बाद। इसे देखो ना, बधाई दिया है, ये लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के मुलाकात को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे सम्राट चौधरी, सुना आपने। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि लालू प्रसाद यादव अपने प्रत्याशियों के उम्मीदवार के लिए यहां पहुंचे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद यादव की मुलाकात हुई तो वही अपनी खुशी जाहिर करते हुए नजर आ रहे थे और कहते हुए नजर आ रहे थे कि भाजपा के वरिष्ठ नेता है नंदकिशोर यादव, काफी लंबे समय से राजनीति में रहे हैं, हमेशा हम लोगों का मार्गदर्शन करते हुए आए हैं और आगे भी हम लोगों का मार्गदर्शन करते हुए आएंगे, कहते हुए नजर आए बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो भाजपा के सबसे सीनियर लीडर है, पक्ष और विपक्ष दोनों के सर्वसम्मति से उन्हें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इसी के साथ साथ तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, सुना आपने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।